उदयपुर की घटना को लेकर विहिप ने जिहादियों का फूका पुतला, फांसी की सजा की मांग की, उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया लाल टेलर की निर्मम हत्या के विरोध में शिवपुरी के माधव चौराहे पर प्रदर्शन कर जिहादियों का पुतला दहन किया गया। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं ने हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग करते हुए नारेबाजी की। विहिप के आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए जिहादियों का पुतला दहन किया। पुतला दहन के दौरान विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने कहा कि राजस्थान में लगातार जिहादी घटनाएं बढ़ रही हैं। वहां रामनवमी के अवसर पर कार्यक्रम में पथराव किया जाता है, दिनदहाड़े दुकानदार की निर्मम हत्या कर दी जाती है। ये सोचा समझा षड्यंत्र है। देश की संप्रभुता और देश की कानून व्यवस्था के लिए ये एक चुनौती है। साथ ही साथ देश की व प्रदेश की सरकारों को ऐसे लोगों को सख्त सजा देनी चाहिए ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। विहिप ने मांग की है कि हत्यारों को फांसी की सजा दी जाए, नहीं तो दल उग्र आंदोलन करेगा। आज हिंदू संगठनों ने मिलकर एक माधव चौक पर पुतला जलाया, किस संदर्भ में पुतला जलाया गया और क्यों? पहले तो बताना चाहूँगा कि मेरा नाम राम सिंह यादव है, मैं विश्व हिंदू परिषद का जिलाध्यक्ष हूँ। और जिलाध्यक्ष के नाते जो आपने सवाल किया है उसका मैं जवाब दे रहा हूँ आपके लिए। ये सर्वविदितक के पूरे भारत के लोगों को ये पता है कि उदयपुर के अंदर कन्हैया लाल टेलर की जो हत्या हुई है वो जघन्य हत्या है और ये पाकिस्तान के लोगों की ये साजिश है। उस साजिश के तहत हत्या की गई है। अगर हिंदू विवाह अगर कोई भी पाकिस्तान के खिलाफ या मुसलमानों के खिलाफ अगर कोई स्टेटमेंट देता है, नूपुर शर्मा के खिलाफ एक स्टेटमेंट अगर वीडियो उनने वायरल किया, वो गलती से उनने माफ़ी भी मांगी है, पुलिस में FIR भी की है, उनने पुलिस से अपनी सुरक्षा भी मांगी थी, लेकिन वहाँ की सरकार फैल रही सुरक्षा देने में। गवर्नमेंट के लोगों की स्थिति ये थी कि जहाँ ये कांग्रेस की सरकारें हैं वहाँ इस तरह के आतंक हो रहे हैं और ये आतंकवादी ये जिहादी हमेशा इस तरह से काम करते रहेंगे। अगर इस तरह से काम चलता रहा हिंदुस्तान के अंदर तो मैं नहीं समझता कि हिंदू अब जागृत हो चुका है। अगर यही काम अगर जिस दिन हम करने लग जाएंगे उस दिन इनको जगह रहने को नहीं मिल पाएगी, ये इनको भागने की जगह नहीं मिल पाएगी। और अब ये सब परिणति ये है कि आज जो हिंदू जगह हुआ है और राजस्थान सरकार जो नाकाम रही उसको सुरक्षा मुहैया कराने में, तो मैं यही कहूँगा उस सरकार से भी यही कहूँगा कि ऐसे लोगों को चुल्ली पर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। किसके जलाया था? हमने इस्लामी का, इस्लाम में दो लोग जो हत्या करके गए थे और उनका वीडियो वायरल किया, पहले खुली साजिश थी उनकी, पहले वीडियो बनाया और उनका गला दबा करके हत्या की, गला काट करके हत्या की, हथियार दिखा करके उनने वीडियो बनाया है। मतलब ये दहशत हिंदुस्तान में हिंदुओं को फैलाने के लिए कि हम ऐसा भी कर सकते हैं। अगर किसी ने हमारे खिलाफ़ ज़रा सा एक शब्द बोला या कोई भी चीज़ वायरल हुई सोशल मीडिया अंदर तो हम ये भी काम कर सकते हैं। इस विरोध के जरिए आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? इस विरोध के जरिए मैसेज देता हूँ कि आज हिंदुस्तान में आवश्यकता है लोगों को जागृत होने की, हिंदुओं को जागृत होने की आवश्यकता है। अगर इसमें इस्लामिक जिहादी लोग ऐसा ही काम करते रहे तो हिंदुस्तान का फिर हिंदुस्तान में रहने का मतलब क्या है? हिंदुस्तान का खाने के बाद भी अगर हिंदुस्तान में ऐसा जघन्य अपराध कर रहे हैं, ये खुली चुनौती देकर के अपराध कर रहे हैं, तो इनको मिटाने के लिए एक ही माध्यम है, हमारा हिंदू जागृत होना चाहिए। और हम विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल हिंदुओं को जगाने का ही काम कर रहा है और जगा करके हम ये कि हम परिणति दे करके और हम बदला लेना चाहते हैं और बदला लेंगे, एक दिन दिखाएंगे हम सब लोगों के लिए। अभी तो स्टार्ट हुआ है काम और जिस दिन हिंदू 1% भी जाग गया उस दिन इनको रहने की जगह नहीं मिल पाएगी। जय जय श्री राम।